Hello student, welcome to the new session of class 6 maths. Yesterday we have done the worksheet 3 of chapter 1. Today we will discuss about the remaining question of this worksheet. We have done up to the question 5, so we will start from the question 6. In a school, the number of students is 5637. If 142 students took admission during that year, find the total number of students in the school. These are the word problem or statement question. So firstly, आपको हमेशा मैंने ये बात बताई है कि आपका first क्या होता है कि जैसे आपको question दिया गया वैसे वैसे उसकी statement लो. First हमें क्या दिया, देखो, in a school the number of student is, कि मतलब किसी school में पहले कितने students थे. So number of students हमें दे दिया कि ये इतने स्टूडेंट्स पहले थे. सपोज यू आर टेकिंग एज अ सिंपल एग्जांपल, सपोज किसी स्कूल में पहले 5 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट्स और आ गए, तो अब कितने हो जाएंगे, 7. सो सेम इन दिस वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. सो फर्स्टली द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने दे दिए, दिस. नाउ न्यू स्टूडेंट टुक एडमिशन, कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, तो वो हमने ले लिया. नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो अब कितने हो जाएंगे, वी हैव टू एड इट. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ अ कार इज दिस 376,866. कहता है एक कार का इतना प्राइस था, तो फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, द प्राइस ऑफ अ कार इज, ओके. नाउ इट इज इंक्रीज बाय, मतलब इतना उसका प्राइस और बढ़ गया, तो इंक्रीज हुआ है मतलब एड हो रहा है, ओके. सो फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ अ कार. सो कैसे करेंगे हम इसको, फर्स्टली प्राइस ऑफ अ कार हमें दे रखा था कि इतना प्राइस था पहले, नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय, इतना ये बढ़ गया है, इतना इंक्रीज हो गया मतलब ऐड होगा उसके अंदर. सो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, दिस इज आंसर. नाउ नेक्स्ट, अ क्लब ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टू द डिज्नी वर्ल्ड. एक क्लब ने डिज्नी वर्ल्ड की तरफ ट्रिप ऑर्गेनाइज की. द कॉस्ट ऑफ द हॉल पैकेजेस, हॉल पैकेज मतलब पूरे पैकेज की हमें कॉस्ट दे दी कि पूरा उतना खर्चा आएगा इसमें, 183,420. नाउ क्लब गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 47,632. देखो पूरे पैकेज की कॉस्ट हमें दे रखी थी कि वैसे तो इतनी कॉस्ट थी, लेकिन क्लब ने डिस्काउंट दे दिया. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, पैसे कम कर दिए. सो फर्स्टली क्या आ जाएगा, द कॉस्ट ऑफ द हॉल पैकेज, ओके. नाउ डिस्काउंट कितना दे रखा था वो लिख दिया हमने. नाउ आफ्टर दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पैकेज आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट देने के बाद पैकेज की क्या कॉस्ट हो जाएगी. डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि पैसे कम किए हैं, सो कॉस्ट ऑफ पैकेज आफ्टर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यू कैन डू द सब्ट्रैक्शन ईजिली, सो दिस विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट, राहुल डिपॉजिटेड 57,630 इन द बैंक. आफ्टर अ वीक ही विड्रू 19,211. कहता राहुल ने एक बैंक में इतने रुपये डिपॉजिट किए, मतलब जमा कर दिए. एक हफ्ते के बाद उसने विड्रू मतलब निकाल लिए, उसने इतने रुपए निकाल लिए बैंक में से. अब जब निकाल लिए तो बैंक में पैसे कम हो जाएंगे ना, मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे. सो व्हाट इज़ द करंट बैलेंस इन राहुल्स अकाउंट. सो फर्स्टली राहुल डिपॉजिटेड इन द बैंक, इतने रुपए उसने डिपॉजिट किए, ही विड्रू उसने कितने निकाल लिए. नाउ द करंट बैलेंस सब्ट्रैक्शन होगा, सो दिस विल बी द आंसर. नाउ नेक्स्ट, अ गारमेंट फैक्ट्री प्रोड्यूस 33,000 ट्राउजर्स एवरी ईयर. हर साल इतने ट्राउजर बनाती है एक गारमेंट फैक्ट्री. आउट ऑफ दिस 12,309 आर फॉर मैन, इतने मैन के लिए बनते हैं. 9,538 फॉर वुमेन, इतने वुमेन के लिए बनते हैं. नाउ द नंबर ऑफ ट्राउजर प्रोड्यूस्ड फॉर चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस के लिए कितने बनेंगे. तो आप ये देखिए, सपोज हम इसको सिंपल नंबर के लिए लेते हैं. सपोज 10 ट्राउजर्स बनाती है कोई फैक्ट्री, तो उस 10 में से 5 मैन के लिए बने, 3 वुमेन के लिए बने, तो कितने बच गए जो चिल्ड्रन के लिए हुए, ऑब्वियस है 2. तो वो 2 कैसे निकला, आपने जो मैन और वुमेन के थे वो आपने ऐड करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए. तो सेम इसमें भी हमने करना है, फर्स्टली ट्राउजर्स फॉर मैन, देन ट्राउजर्स फॉर वुमेन. तो टोटल ट्राउजर्स फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए कितने हो गए, ऐड कर दिया. नाउ अब टोटल ट्राउजर कितने प्रोड्यूस हुए थे लिख दिया, अब ट्राउजर मैन और वुमेन के लिए कितने बने हैं वो लिख दिया, तो बच्चों के लिए चिल्ड्रन के लिए कितने बच गए वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दिस विल बी द सॉल्यूशन. सो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक नाउ. थैंक यू.